नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो 12 मई से जो कि स्पेशल ट्रेन चल रही है तो उसके लिए अभी तक कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया है और जो ये स्पेशल ट्रेन है ये किन किन मुख्य जगहों पर जाएगी। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अभी तक कितने लोग इसे सफ़र कर चुके हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो लॉकडाउन 17 मई तक के लिए लागू है, लेकिन भारतीय रेलवे ने आज यानी 12 मई से विशेष ट्रेनों को हरी झंडी दे दी है। वहीं एडवांस टिकट बुकिंग भी शुरू हो गई है। भारतीय रेलवे के मुताबिक विशेष ट्रेन के लिए 80,000 से अधिक यात्रियों ने टिकट बुक की है। इसके मुताबिक अब तक 16.15 करोड़ रुपये की 45,000 से अधिक टिकटों की बुकिंग की गई है। रेलवे ने टिकट से मध्य प्रदेश के बिलासपुर के लिए पहली ट्रेन रवाना होने से कुछ घंटे पहले यह जानकारी दी। बता दें कि इन विशेष ट्रेनों की बुकिंग सोमवार शाम 6 बजे से शुरू हुई थी। रेलवे ने बताया है कि अभी तक अगले 7 दिन के लिए 16.15 करोड़ रुपए की 45,533 बुकिंग की गई है। इन टिकटों पर करीब 82,317 लोग यात्रा करेंगे। रेलवे ने सोमवार को 15 विशेष ट्रेनों के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे जो लागू हो चुकी है। इसके मुताबिक यात्रियों को अपना भोजन और चादर लाने को कहा गया है और स्वास्थ्य जांच के लिए ट्रेन के रवाना होने के समय से करीब 90 मिनट पहले आने को कहा गया है। इन यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना भी अनिवार्य होगा। दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये स्पेशल ट्रेन है आखिर कौन कौन से मुख्य राज्य में जाएगी। तो जो ये रेलगाड़ियाँ नई दिल्ली और देश के सभी प्रमुख शहरों डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और टवी के बीच जम्मू टवी के बीच चलेगी। मंगलवार 12 मई को 8 में से 3 रेलगाड़ियां नई दिल्ली से रवाना हो गई है जो डिब्रूगढ़, बेंगलुरु और बिलासपुर पहुंचेगी। हावड़ा, राजेंद्र नगर, पटना, बेंगलुरु, मुंबई, मध्य और अहमदाबाद में से एक एक रेलगाड़ी रवाना होगी और दिल्ली पहुंचेगी। लॉकडाउन में चलाए जाने के कारण इन विशेष रेलगाड़ियों में सिर्फ वातानुकूलित श्रेणी मतलब AC1, AC2 और AC3 के डिब्बे ही होंगे। किराया सामान्य राजधानी ट्रेन के अनुरूप होगा। रेलवे ने कहा था कि इन रेलगाड़ियों में एडवांस रिजर्वेशन अधिकतम 7 दिन के लिए होगा। फिलहाल RAC को और वेटिंग टिकट जारी नहीं होगा। रेलगाड़ी में TT को किसी का भी टिकट बनाने की अनुमति नहीं होगी। भारतीय रेल ने टिकट रद्द कराने का भी विकल्प दिया है। इस संबंध में उनका कहना है कि यात्री रेल के प्रस्थान से 24 घंटे पहले ही टिकट रद्द करा सकते हैं, लेकिन टिकट रद्द होने पर कुल किराए का 50% शुल्क के रूप में काट लिया जाएगा। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में अभी तक लगभग 6.48 लाख पैसेंजर सफ़र कर चुके हैं। रेलवे के मुताबिक मजदूरों के लिए 12 मई तक 542 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। देश भर में इस दौरान लगभग 6.48 लाख पैसेंजर ने इस ट्रेन में सफ़र किया है। सफ़र के दौरान पैसेंजर को फ्री मील्स यानी कि खाना और पानी दिया गया है। बता दें कि 1 मई से इन ट्रेनों को चलाया जा रहा है। इसके जरिए मजदूरों को उनके शहर तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी।